हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं बिराज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बिराज की बातें। जनधन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही उल्लास और आशा से घोषणा की थी, और जिसके घोषणा होते ही बहुत से लोग जो कि बैंकिंग सीनियरों के अंदर नहीं थे, उन्होंने बैंकों में जाकर अपनी खाता खुली और बैंकों के सीनेरियो में आ गए, और बैंकिंग सुविधाओं का फ़ायदा भी उन लोगों को काफ़ी मिला। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जनधन अकाउंट में कुछ परेशानी आने लगी है। जनधन अकाउंट से अचानक पैसे निकालने में कस्टमर्स को प्रॉब्लम होने लगी है। जनधन अकाउंट अचानक से स्टॉप होने लगे हैं, इनऑपरेटिव होने लगे हैं। तो मैंने यही सब परेशानियों के बारे में सोचकर इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा। इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूं। अगर आपके जनधन अकाउंट में परेशानी होने लगी है तो अपने जनधन अकाउंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर अपने जनधन अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा अगर आपके जनधन अकाउंट में परेशानी हो रही है तो आप अपने जनधन अकाउंट के साथ क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है, जनधन अकाउंट की घोषणा हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद ही कर दिया था। ये योजना हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलर योजना में से सबसे ऊपर वाली योजना है। इस अकाउंट के थ्रू बहुत से लोग जो कि बैंकिंग सीनियरों के अंदर नहीं थे, उन्होंने बैंक में जाकर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया और बैंकिंग सुविधाओं का फ़ायदा उठाने का उनको अवसर मिला। ये जो अकाउंट है ये कम्प्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट में कस्टमर्स को एक भी रुपया एज ए चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जनधन अकाउंट में ऐसी कुछ परेशानी आने लगी है पिछले कुछ दिनों से, और कस्टमर्स भी धीरे धीरे समझने लगे हैं कि जनधन अकाउंट आखिर किन लोगों के लिए है। जनधन अकाउंट की घोषणा जब पहली बार हुई थी तो जनधन अकाउंट को इसी उन्हीं कस्टमर्स के लिए अनाउंस किया गया था जो कि बीपीएल जो लेवल से नीचे है, यानी कि जिनकी आर्थिक अवस्था काफ़ी ख़राब है और जो दिन हाजिरा करके थोड़े थोड़े पैसा जमा करके अपने अकाउंट पर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही जनधन अकाउंट की घोषणा हो गई तो एक ही बार में सभी लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर नॉर्मल जो कि सर्विस होल्डर है, उन्होंने भी जाकर अपनी जो रेट ऑफ इंट्री या फिर जो चार्जेस नहीं है उसके बारे में सोचकर जनधन अकाउंट को धराधर खोल लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन समय और दिन पार होते गए, उनको पता चलने लगा कि जनधन अकाउंट में काफ़ी खामियां हैं और उनको धीरे धीरे परेशानी आने लगी है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं आखिर क्यों जनधन अकाउंट सर्विस होल्डर, स्टूडेंट्स या फिर जो नॉर्मल अर्निंग लेवल वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है, और जनधन अकाउंट आखिर किसके लिए थी और किन लोगों ने जनधन अकाउंट को फाइनली खोला। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि जनधन अकाउंट में जो परेशानी आने लगी है वो क्यों आने लगी है और इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। पहली, जनधन अकाउंट को जब किसी स्टूडेंट ने या फिर एक नॉर्मल जो अर्निंग करने वाले इंसान है उन्होंने जाकर खोला तो उनको पता नहीं था कि जनधन अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शन थी। जनधन अकाउंट की जो सबसे बड़ी रेस्ट्रिक्शन थी वो पहले तो 50,000 रुपये तक इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट बैलेंस थी वो थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपया कर दी। तो उन वे लोग जो कि नॉर्मली स्थिति जो कि नॉर्मली कमा रहे हैं या फिर नॉर्मल अर्निंग कर रहे हैं, वे लोग जो उस समय स्टूडेंट थे लेकिन अब एक नौकरी पाकर कमाने लगे हैं, तो उनके लिए अब ये अकाउंट कुछ भी काम की नहीं रही। पहले तो जबकि कोई भी एक लड़का जो स्टूडेंट था जिसको घर से 2,000 या 5,000 रुपये भेजा कर उसके गार्जियन भेजा करती थी तो जनधन अकाउंट तो उनके लिए ठीक था, लेकिन अब जबकि वो अर्निंग करने लगी है, उनकी सैलरी आने लगी है, तो जनधन अकाउंट उनके काम की नहीं रही। क्योंकि जनधन अकाउंट में हम मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। 1,00,000 रुपये डिपॉजिट होने के बाद जनधन अकाउंट में और पैसे डिपॉजिट नहीं हो सकते, तो उन लोगों को अब इस जनधन अकाउंट से परेशानी होने लगी है। दूसरी सबसे बड़ी जो जनधन अकाउंट में की जो बाधा थी या फिर जिसको हम डीमेरिट कर सकते हैं, वो ये है कि जनधन अकाउंट की जो मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट है वो है 10,000 रुपये, और मैक्सिमम विड्रॉल
करने की जो लिमिट है वो है 4 टाइम्स इन ए मंथ। इसका मतलब जनधन अकाउंट में हम मैक्सिमम 10,000 रुपये तक ही एक महीने में निकाल सकते हैं, और वो भी 10,000 हम 4 बार ही मैक्सिमम निकाल सकते हैं। वो जो 4 टाइम्स है, वो जो 4 टाइम्स है, वो उसमें हर कुछ इन्वॉल्व है। आप अगर कैश निकाले या फिर एटीएम से जाकर निकाले, एनईएफटी, आरटीजीएस करें, किसी को ट्रांसफर करें, वो चार अगर आपकी 4 बार की लिमिट पूरी हो जाएगी तो आप अपने जनधन अकाउंट से उस महीने और पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी बाधा हो गई उन लोगों के लिए जो अर्निंग क्लास है, जो अर्निंग कर रहे हैं और जो जिसको रेगुलरली पैसे की जरूरत पड़ती है, जो अपने या तो एटीएम से पैसे निकालते हैं या बैंकों में जाकर पैसे निकालते हैं या किसी को चेक द्वारा ट्रांसफर करते हैं। तो उन लोगों को अब जनधन अकाउंट से काफी परेशानी होने लगी है। तो बेसिकली जनधन अकाउंट वैसे जिस तरह से जनधन अकाउंट पहले था वो भी अब भी वही है, लेकिन जो कस्टमर की नीड्स है वो इन पिछले 5 सालों में काफी बढ़ गई है, और इसी के लिए जनधन अकाउंट में लोग अभी परेशानी फेस कर रहे हैं। तो अभी हम जान लेते हैं अगर लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आखिर वो क्या करें, जनधन अकाउंट को कैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करें, या फिर जनधन अकाउंट के साथ अपनी क्या करें। क्योंकि अगर किसी कस्टमर की जनधन अकाउंट में एक अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, तो वो दूसरी कोई भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती उस ब्रांच में जाकर, क्योंकि अभी आरबीआई की जो करंट गाइडलाइन है उसके मुताबिक एक कस्टमर की एक ही सेविंग अकाउंट हो सकती है, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर जनधन हो या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट हो। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अगर हमारी जनधन अकाउंट है और पहले हम स्टूडेंट थे या फिर पहले हमारी इनकम लेवल नीचे थी, तो अब अपनी इस जनधन अकाउंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारी इनकम लेवल बढ़ चुकी है और अब हम स्टूडेंट से एक अर्निंग क्लास पीपल हो चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर हम अपने इस जो जो करेंट जनधन अकाउंट है उसके साथ क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जनधन अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अब कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पहले किया जा सकता था लेकिन पिछले 6 महीनों से इसे बंद कर दिया गया है। करेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो नहीं किया जा सकता। जनधन अकाउंट को हम मैक्सिमम टाइनी स्पेशल ओडी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कन्वर्ट करने के बाद भी जो रेस्ट्रिक्शन जनधन अकाउंट में है, यानी कि मैक्सिमम विड्रॉल की रेस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम डिपोजिट की रेस्ट्रिक्शन, वो जनधन अकाउंट में रहेगी। तो जो बेस्ट सिनेरियो है किसी भी अर्निंग क्लास पीपल के लिए तो वो ये है कि वो अपने बैंक में जाए, अपने जनधन अकाउंट को क्लोज करे और एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोले, क्योंकि बिना जनधन अकाउंट को क्लोज किए नॉर्मल सेविंग अकाउंट अब बैंक में नहीं खोला जा सकता। तो मेरी जो सजेशन है उन लोगों के लिए जो पिछले 4 सालों मतलब 2014 में जिन्होंने जनधन अकाउंट खोला था और जिनकी अर्निंग कैपेसिटी कमती थी, या फिर जो स्टूडेंट्स थे और जो अभी अर्निंग कैपेसिटी जिनके बढ़ चुकी है और स्टूडेंट से एक वर्किंग क्लास बन चुकी है, तो उन लोगों के लिए यही है कि आप जाए अपने ब्रांच में और अपने जनधन अकाउंट को क्लोज करें और एक नया सेविंग नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोले, जिसके थ्रू आपको सभी सुविधाएं मिल जाएगी, जहां आपको डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं होगी, विड्रॉल की कोई भी लिमिट नहीं होगी, एटीएम कार्ड मिला करेगी, रुपए डेबिट कार्ड से तो आप मैक्सिमम 10,000 ही निकाल सकते हैं, आपको नॉर्मल वीजा या मास्टर कार्ड की डेबिट कार्ड मिला करेगी, क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिला करेगी, INB फैसिलिटी विथ फुल ट्रांजेक्शन राइट्स आपको मिला करेगी, NEFT RTGS में कोई लिमिट नहीं है। तो आप जाए अपनी जो जनधन अकाउंट है उसे क्लोज करें और एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट को खोल ले, जिससे कि आपको फ्यूचर में कुछ भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि जनधन अकाउंट तो वही है लेकिन हमारी अर्निंग कैपेसिटी अब बढ़ चुकी है, जिसके तहत जनधन अकाउंट अब हमारे काम की नहीं रही। तो प्लीज जाए अपने ब्रांच में और अपने जनधन अकाउंट को क्लोज करके एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट को खोले। आशा है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।